आज हमारी उपस्थिति बिहार के कैमूर जिला चांद प्रखंड के अंतर्गत पाढ़ी पंचायत के एकौनी गांव में है, जहां पे मैं अभी दिखाने जा रहा हूं कि आज संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा रचित जो संविधान था वो 26 नवंबर को लागू किया गया भारत में, उस उपलक्ष में यहाँ के जो जागृत लोग हैं, खास करके जो बहुजन समाज के लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब को फॉलो किया है, बाबा साहब उनके रग रग में रहते हैं, उन्होंने आज संविधान दिवस मनाने का कार्यक्रम किया है। उस उपलक्ष में आज के मुख्य अतिथि इस पंचायत के पैक्स अध्यक्ष और अभी चुनाव सरगर्मियों पर है उसमें भावी प्रत्याशी भी हैं मिस्टर कुमार गौरव जी मौजूद हैं यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में। मैं इनसे और यहाँ के ग्रामीण लोगों से बातचीत करने का प्रयास करूँगा कि ये जो शानदार कार्यक्रम आपने किया है ये प्रेरणा अच्छा खासा कहाँ से मिली और इसको कितना तक बढ़ाना चाहते हैं। पहले सर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो आज संविधान दिवस के शुभ अवसर पर आज एकौनी गाँव में आपने अपना शिरकत किया है, यहाँ के लोगों ने आपको प्यार सम्मान दिया है, कैसा लग रहा है? देखिए एकौनी हमारा गांव है और एकौनी हम हमेशा आते जाते हैं और यहाँ के लोग हमें बहुत प्यार और दुलार देते हैं और आज इस अंबेडकर जी जो संविधान बनाए थे आज उसके उपलक्ष में यहाँ के कमेटी के लोगों द्वारा ये कहा गया कि हम लोग ये दिवस मनाएंगे और आप आइए। हमने यहाँ पे आया और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे बहुजन समाज के साथ साथ सभी समाज के लोग एकजुट हैं। आज इस संविधान का ही देन है कि सभी लोग एकजुट होकर एक साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए सबको क्या बात है। ये बात आपकी मुझे बहुत रास आई, कहीं ना कहीं आपको ये पता है या मालूम है ये संविधान का देन है कि आज सारी जाति बिरादर और कास्ट छोड़ करके हम एक धागा में पिरोए हुए हैं। कहीं ना कहीं जो आप चुनाव में खड़े हैं ये भी बाबा साहब की देन है। किसको श्रेय देना चाहते हैं इस जो समाज में इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है? देखिए इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ की कमेटी को लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और हम सभी लोग हम कानून को अपने हाथ में न लें और संविधान में जो कानून बनाया गया है उसको देखते हुए सभी लोग एकजुट होकर एक दूसरे का मदद करें, हम यही चाहते हैं। अगर इस कारवा को आगे बढ़ाना हो, अगर आपकी ये लोग मदद मांगे कि कहीं ना कहीं हम समाज में आगे बढ़ना चाहते हैं, बाबा साहब को के कारवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपका कितना मदद रहेगा? मैं हर एक कार्यक्रम में हर समय यहाँ के लोगों के लिए या इस पंचायत के लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ और जो भी हमसे मदद हो वो हम करने के लिए तैयार हैं। संविधान दिवस के अवसर पर अपने पंचायत वासियों को या देशवासियों को क्या बधाई देना चाहते हैं? देखिए संविधान दिवस के अवसर पर मैं अपने पूरे पंचायतवासी देशवासी को यही बधाई देना चाहता हूँ कि संविधान को देखते हुए सभी लोग जो संविधान बनाया गया उसका सब लोग फायदा उठाए और सब लोग एक बराबर होने का कोशिश करें। संविधान का मतलब यही था कि सभी लोग जो नीचे तबके के लोग हैं वो सब लोग बराबर हो जाएं, तो सब लोग बराबरी करें और अपना कार्य अच्छे से करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये बहुजन समाज के बहुत अच्छे लीडर, उनसे मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा कि ये कारवा कहां तक चल के जाएगा। सबसे पहले मैं आप विकल्प कुमार आप मीडिया बंधु लोगों को मैं धन्यवाद एवं बधाई करता हूं। मैं इस कारवा को हम लोगों ने अभी जब पढ़े लिखे नहीं थे तो इस देश में इस गांव में समाज में हम लोगों ने बहुत तरह की कुरीतियां देखी, तो पढ़ाई के समय से ही जो है मैं इन कुरीतियों ढोंग पाखंड अंधविश्वास को दूर करने की लड़ाई लड़ना शुरू किया। आज मैं विधानसभा से लेकर के जिला प्रदेश तक हम लोग जो है एक BSP के मूवमेंट के रूप में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर या तमाम जो इस बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं, इस बहुजन समाज को जितना धर्म के नाम पर लोगों ने जो बांट करके इनको सताने का काम किया, जुल्म किया, अत्याचार किया, आज बाबा साहब का ही देन है कि आज सभी संतों महापुरुषों का अध्ययन किए और उसके बाद उन्होंने जो है एक ऐसा संविधान लिखा जो यहाँ समरसता, समता, बंधुत्व, भाईचारा का पैगाम देता है और उस रास्ते पर हम लोग जो है सभी लोगों को उनका जो आंदोलन है शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, ये तीनों नारा एक बहुत बड़ा मंत्र है। यहाँ आप, आपको जो युवा सुन रहे हैं साथी, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं संविधान दिवस के कम में? मैं इन सभी साथियों का एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा एक रहें, नेक रहें, बटेंगे तो हमेशा जो है पीटेंगे, इसलिए हमेशा हम लोग एक होकर के रहें और जो भी हमारे संत महापुरुष लड़ाई लड़े हैं उसका हम लोग जो है अपने एकता के बल पर ही उसको लड़ सकते हैं। ये विजय
यादव जी हमारे बीच मौजूद हैं, एकौनी गांव के काफी सम्मानित व्यक्ति माने जाते हैं। मैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करता हूं कि संविधान दिवस के मौके पर आप यहां उपस्थित हैं, कैसा महसूस हो रहा है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जो युवा साथी हैं उनको क्या बधाई देना चाहते हैं? बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बधाई। आपको शांत रहिए ना, बाबा साहब ने संविधान लिखे और बाबा साहब ने जिस तरह करवा को आगे बढ़ाया, मैं उनको दिल के गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज बाबा साहब की ही देन है कि हम और आप सारे लोग एक मंच पर हैं। बाबा साहब ने जो कह कर लिख कर गए, आज उन्हीं के बताए हुए रास्ता पर हम लोग का प्रयास रहता है कि हम लोग चलें और सारे समाज को हम लोग एकजुट करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, हमारे बीच इस गांव के काफ़ी सम्मानित व्यक्ति लोग मौजूद हैं। मैं बारी बारी से बात करने का प्रयास करूंगा कि आपने जो बाबा साहब का ये तो नीला गमछा भी ले रखे हैं, जैसा कि ये बहुजन समाज का सिंबल है, तो आप जो बाबा साहब के कारमा को इतना शानदार तरीके से बढ़ा रहे, संविधान दिवस मना रहे, ये कहाँ से मौजूद हुआ? ये हम लोगों को जो है BSP का देन है, तो उसमें जब BSP हम लोग हुए तो बाबा साहब की किताब हमने पढ़ना शुरू किया, उसमें से हम लोगों को ज्ञान मिला। और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ सभी लोगों से कि बाबा साहब ने विशेष शिक्षा पर जोर दिया है, तो हम तो चाहेंगे सभी नौजवान छोटे हो या बड़े हों वो शिक्षित बने। इसके बाद ही शिक्षित किताब में लिखा गया है कि विद्या जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हाँ, दहाड़ेगा। तो हम तो चाहेंगे कि बस उसी को ग्रहण करके और उनके कानून का उल्लंघन न करते। एक बात और बोले थे कि शिक्षा वो मास्टर की है, मास्टर चाबी है, जिससे दुनिया का कोई भी बंद ताला खोला जा सकता है। कितना परसेंट सही मानते हैं आप? 100% क्या कहना चाहते हैं जो युवा साथी आपको सुन रहे हैं, जो आपके आने वाली पीढ़ी है जो बाबा साहब के कार्यों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना मैसेज है? पहले चीज़ मैं चाहूँगा गार्जियन को कि जितने भी गार्जियन तबके के लोग हैं, भले आधी रोटी खाएं, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करें। मतलब कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया कुछ भी बदल सकती है। हाँ, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि आपको हर कुछ दे सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने।